करो करते हैं कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म हो गया। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने कुछ देर पहले यह बता दिया था कि कुछ वक्त के बाद राजनीतिक नियुक्ति कर दी जाएगी। और जो लिस्ट है वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है बीसुका का। रामेश्वर डूडी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड संभालेंगे। महादेव सिंह खंडेला अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान किसान आयोग और उपाध्यक्ष के तौर पर दीपचंद खैरिया होंगे। वहीं राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अध्यक्ष के तौर पर ब्रिज किशोर शर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि पंकज मेहता उपाध्यक्ष होंगे। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर जुबेर खान जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के तौर पर धीरज गुर्जर जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर रफीक खान जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर खिलाड़ी लाल बैरवा, जबकि सचिन सरवटे उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर मेवाराम जैन, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर सुमेर सिंह राजपुरोहित जिम्मेदारी संभालेंगे। आरटीडीसी चेयरमैन बनाया गया धर्मेंद्र राठौर को। इसके अलावा हाकम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद का अध्यक्ष, डुंगरा राम गेदर को उपाध्यक्ष शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, डांग क्षेत्रीय विकास मंडल लाखन सिंह मीणा संभालेंगे, देव नारायण बोर्ड जोगिंदर सिंह अवाना संभालेंगे। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद कृष्णा पुनिया अध्यक्ष के तौर पर और सतबीर चौधरी उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौर जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र राठौर जी, आरटीडीसी की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, बीते दो साल में कोरोना के वक्त में आरटीडीसी बहुत पीछे गया है, मानकर चले कि अब बहुत आगे जाएगा। जी। सर, चुनौतियां क्या मानते हैं आप आरटीडीसी को लेकर? देखिए, जो भी चुनौतियां राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, हमें जो काम दिया है, हर काम को हमको चुनौती के रूप में लेते हैं जी। चाहे वो चुनाव के उपचुनाव जितने हुए हैं उनमें जो जिम्मेदारी थी उसको भी हमने, जहां ऐसी परिस्थितियां थी कि भाई मुश्किल है, वहां भी अच्छा काम करके बताया जी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी कोशिश करेंगे तो उसमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर पाएंगे जी। आपको लग रहा है सर देर नहीं हुई है, दो साल में बहुत काम हो सकता है आरटीडीसी में? कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र राठौर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ राजीव अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, जिनको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव जी, फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, मेरे को खबर आपसे मिली है, मुझे तो समाचार नहीं थे जी। फर्स्ट इंडिया को अगर आपको ये पुख्ता खबर है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे हाथ में बाकायदा लिस्ट है सर, जिसमें आपका नाम है और नाम आपका है 25वें नंबर पर। अच्छा जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, ये तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है जी। राजस्थान में मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी इंडस्ट्री तो लगनी चाहिए जी, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है लघु उद्योग को बढ़ाने की जी, क्योंकि इस देश का 40% जो उत्पादन है वो MSME के हाथ में है जी, और वो उसको मैं तो देने की आवश्यकता है। अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं सर प्लीज सर प्लीज अगर शब्द मत इस्तेमाल कीजिए सर, फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है, खबर के लिए है जी, आप बता रहे हैं जी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब तक मुझे सूचना नहीं मिलेगी मैं कैसे कर पाऊँ। ठीक है सर, लेकिन ये माने कि जितने आप प्रिय मुख्यमंत्री के हैं उतना ही प्रिय सब्जेक्ट आपको दे दिया गया MSME, तो राजस्थान में अब चार चांद लगेंगे। उससे पूछते तो मेरी फर्स्ट चॉइस ये होती कि लघु उद्योग निगम में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, इस प्रदेश में MSME को बढ़ाना चाहिए और जल्दी ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रहा है जी, तो हम चाहेंगे कि राजस्थान का औद्योगिक वातावरण ऐसा बने जी, ये लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बने यहाँ पे निवेश करने का।
सर मानकर चले इस बजट में राजस्थान में एमएसएमई को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम जो केंद्र से बजट को लेकर उम्मीदें लगाकर बैठे थे, बाकायदा पैनल का हिस्सा थे, आपने भी बहुत कुछ कहा था, अफसोस वहां से हाथ लगा था, यहां से उम्मीदें हैं? जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बजट आएगा जी, और एक औद्योगिक वातावरण बना है पूरे प्रदेश के जी, आने वाले समय में लाखों करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने जी का प्रयत्न करना चाहिए हर किसी को। राजीव जी एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे एमएसएमई बेहतर काम आपके नेतृत्व में करता हुआ दिखाई दे हमारे